पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यह फैमिली की राम भक्ति में लीन और हनुमान जी की सेविकाओं ने एक विशाल भंडारा वितरण ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को भी आयोजित किया, जो कि हरपाल नगर में राजा राम धर्मशाला मंदिर में संपन्न हुआ। भंडारा शुरू करने से पहले विधिवत पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भंडारा आरंभ किया गया। इसमें सभी महिला सदस्यों ने सामूहिक रूप से सेवा समर्पण सहयोग करके प्रसाद एवं शरबत वितरण करके धर्म लाभ कमाया। वितरण के साथ साथ भक्ति से परिपूर्ण महिलाओं ने जय श्री राम और जय कारावीर बजरंगी का उच्चारण किया। वितरण के दौरान नेहा मेहरोत्रा, मिली सिक्का, संजना भटनागर, दिव्या अग्रवाल, आदिति गोयल, मानसी टंडन, शालिनी गुप्ता, दीपाली अग्रवाल, रजनी मित्तल, कामिनी शर्मा, रूपम, प्रतिभा, पूनम भटनागर, वीनू आहूजा के साथ और भी सदस्य उपस्थित रही। जय श्री राम। आज हम जेठ के मंगल पे, आज दूसरा बड़ा मंगल है, हम उसमें भंडारा कर रहे हैं। वैसे तो हमारी यह फैमिली की तरफ से अम्मा की रसोई स्टार्ट हुई है, जो हम मंथ में दो या तीन बार करते हैं। आज क्या किया गया है? आज हमने यहाँ पे भंडारा वितरण किया है, जो कि राजा राम धर्मशाला हरपाल नगर में है और यहाँ पे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद हमारा करने का था कि ताकि नीडेड लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि आप देखते हैं हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं तो अपने पेशेंट के सिवा और कहीं ध्यान नहीं दे पाते, तो वो अपने घर से सामान नहीं ला पाते, जिससे वो मोस्टली भूखे रहते हैं, उनको बाद में फील होता है। इसलिए हमारा काफ़ी टाइम से मकसद है हमारी अम्मा की रसोई का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के पास करें। ये अम्मा की रसोई की तरफ से एक प्रयास शुरू किया गया है। ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार के, जो बड़े मंगलवार कहलाते हैं, उनके लिए हमने भंडारा वितरण किया है और हमारी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको आगे और बढ़ाते रहें। आप सबके सहयोग के साथ, सबके साथ मिलके हम इस भंडारे को और आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि अम्मा की रसोई एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आई है कि हम सबको ये भंडारा वितरण करें और सबके लिए हम इसके लिए आगे और प्रयासरत रहे। इससे पहले भी आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया? जी, पहले भी किया गया था, पिछले मंगलवार को भी किया गया था। तो हमारी ये पूरी कोशिश, हम आने वाले और दो मंगलवार को भी इस भंडारे को आगे बढ़ाएं और इसको वितरित करें। आज ही हमारा ये परिवार की ओर से जो हमारा अम्मा की रसोई ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके उपलक्ष्य में ज्येष्ठ माह के मंगलवार में यहाँ पे राजा राम धर्मशाला भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद का लाभ उठाया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि जितनी से ज़्यादा अगर भगवान ने हमें सक्षम बनाया है तो हम उस हिसाब से ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। नहीं, हमें सेवा करने का अवसर मिला है, हमें भी इस महान में बहुत अच्छा लगता है सबकी सेवा करके। इसका बहुत बड़ा पर्व है आज का, इससे बाबा के पर्व में हम लोगों ने मिलजुल के सहयोग किया, सभी ने भंडारा का उत्सव हुआ है और बहुत ही आनंद लिया और आनंद के साथ। हाँ, उनके लिए बस यही संदेश है कि ऐसे ही मिलजुल के और सहयोग करते रहें आपस में और भंडारे में आते रहें और सेवा करते रहें, यही संदेश है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।